किताब शिफा से आज का ख़ास वजीफ़ा सूरतुल कौसर की खासियत। कई बरकतें हैं सूरतुल कौसर की। एक ख़ास जो इसकी बरकत है वो ये भी है कि जिस शख्स की औलाद ज़िंदा ना रहती हो, पैदा होने के बाद फौत हो जाती हो, तो अगर वो शख्स इस सूरह मुबारका सूरतुल कौसर को 700 मरतबा सुबह की नमाज के बाद, यानी फजर की नमाज के बाद 41 दिन तक 700 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, इंशाअल्लाह उसकी औलाद ज़िंदा रहेगी और हमेशा उनका नाम जारी रहेगा। दोबारा समाप्त कर लीजिए, जिस शख्स की औलाद ज़िंदा ना रहती हो, औलाद पैदा होती हो और बस बचपन में ही वफात पा जाती हो, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि वो 41 दिन तक रोज़ाना फजर की नमाज के बाद सूरतुल कौसर 700 मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह उसकी औलाद ज़िंदा रहेगी और हमेशा उनका नाम जारी रहेगा। यानी इस सूरह मुबारका की बरकत से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से औलाद भी ज़िंदा रहेगी और वो बेहतरी और भलाई के काम करेगी और उनका नाम हमेशा जारी रहेगा। ये बिल्कुल इस हवाले से, औलाद फौत हो जाती हो, ज़िंदा ना रहती हो, तो ये लाजमी 41 दिन तक 700 मरतबा फजर की नमाज़ के बाद पढ़ी है, वाल आखिर ताकादाद में दुरूद पाक पढ़ी है। इसी तरह अगर कोई बे औलाद हो और औलाद नरीना चाहता हो, उनके लिए यही सूरतुल कौसर 111 मरतबा रोज़ पढ़ी जाए, मियाँ बीवी दोनों पढ़ें और जब तक मकसूद हासिल ना हो पढ़ते रहें। 111 मरतबा रोज़ाना, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक, और मियाँ बीवी दोनों ना पढ़ सकते हो तो दोनों में से एक लाजमी कोई ना कोई पढ़े, दोनों पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला औलाद अता फरमाएगा, औलाद नरीना से नवाजेगा। और इसके अलावा इस सूरह कौसर पढ़ने की बड़ी बरकतें हैं। इन्ना आतीना कल कौसर, ऐ प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता फ़रमाई, हौज़े कौसर, खैर कसीर, बरकतें तमाम अता फ़रमाई, नेमतें। तो जब हम ये पढ़ेंगे इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, हमारे लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से बेशुमार रहमतों बरकतों का नुज़ूल होगा। तो बिल्कुल सूरतुल कौसर को अपने मामूल का हिस्सा बनाइए। ये दो तरीके जो मैंने अर्ज़ कर दिए, इन तरीक़ों से भी पढ़ सकते हैं, औलाद के लिए और औलाद के ज़िंदा रहने के लिए। आपको ज़रूरत है, आप अपने औराद वज़ाइफ़ में शामिल कीजिए, अपने आयज़ा अक़रबा रिश्तेदार दोस्त अहबाब पड़ोसी महल्लेदार उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। मेरे आपके हमारे बताने से हमारे किसी भी मुसलमान भाई, मुसलमान बहन, किसी मुसलमान फ़र्द का फ़ायदा होता है, तो इंशाअल्लाह ये हमारे लिए भी दीनो दुनिया आखिरत में भलाई, फ़ायदे, निजात और शिफा का बाइस होगा। अल्लाह सुबहानहु व तआला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, हमें आसानियाँ बाँटने वाला बनाए, मुश्किलात से हमारी हिफाजत फ़रमाए। आमीन।